हेलो एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में ब्यूटीफुल सनसेट की सीनरी ड्रॉ करेंगे विद बोट, जो कि होने वाला है बहुत इजी फॉर बिगिनर्स। सो बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो यहाँ पे आप रेफरेंस देख सकते हो, हाफ ऑफ द पिक्चर में ये स्काई है एंड हाफ में है पानी और बीच में दो बोट एंड एक छोटी सी सन है। तो जिस जगह में ये सन है मैं अंदाजा से वहाँ पे एक मास्किंग टेप लगा रही हूँ, इसे मैंने राउंड में कट किया है। तो ये ड्राइंग मैं पूरी चारकोल से बनाने वाली हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो थोड़ी सी चारकोल पाउडर लिया है और कॉटन लिया है। तो कॉटन में थोड़ी सी चारकोल पाउडर लगा के सबसे पहले स्काई की शेड करूंगी। कॉटन की जगह में बड़ी वाली मेकअप ब्रश भी यूज कर सकते हो, पर मुझे लगता है इस तरह की बैकग्राउंड शेड के लिए कॉटन सबसे बेस्ट है। इससे शेड बहुत ही जल्दी हो जाती है एंड बहुत ही स्मूथ। तो ऊपर जैसे स्काई में शेड है वैसे नीचे भी मैं शेड करूंगी जहाँ पे वाटर है। तो गाइस शेड को बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड करना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, पर जितनी अच्छी तरीके से आप बैकग्राउंड की शेड करोगे आपकी ड्राइंग उतनी ही अच्छी लगेगी। और बाकी ड्राइंग होने के बाद आप बैकग्राउंड के शेड नहीं कर सकते हो, इसलिए बैकग्राउंड की शेड सबसे पहले ही करना पड़ेगा। तो अभी बैकग्राउंड कम्प्लीट हो चुकी है। तो यहाँ आप रेफरेंस पे देख सकते हो दूर पे कुछ ट्रीज है, जिसे ड्रॉ करने के लिए मैं चारकोल पेंसिल यूज कर रही हूँ। यह है कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल, जिसे आप ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेस कर सकते हो, ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, इसको अभी थोड़ा सा डार्क कर लूंगी, उसके बाद ऊपर ट्रीज ड्रॉ करूंगी जो कि एकदम एक ही साथ में दिख रहा था। तो यहाँ पे ट्रीज की दो लाइन्स है। आई डोंट नो कि आप लोगों ने रेफरेंस पे नोटिस किया है कि नहीं, रेफरेंस को बहुत ही अच्छी तरीके से देखने में पता चलता है यहाँ पे दो ट्रीज की लाइन है। नीचे वाला लाइन थोड़ा सा ज्यादा डार्क है एंड ऊपर का जो लाइन है वो थोड़ा सा लाइट है। इसके मतलब जो नीचे वाला ट्री की लाइन है वो थोड़ा सा पास में है और दूर में है पीछे वाला ट्री की लाइन। यहाँ पे मैं मेकअप ब्रश यूज कर रही हूँ शेड करने के लिए। मेकअप ब्रश पे थोड़ा सा चारकोल पाउडर लगा के उससे मैं यहाँ पे शेड कर रही हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे का जो ट्री का लाइन मैंने बनाया था वो थोड़ा सा ज्यादा डार्क किया है और ऊपर का लाइन थोड़ा सा लाइट रखा है। अभी एक और बार पेंसिल से लाइनिंग कर लेती हूँ, क्योंकि शेड करने की वजह से दोनों अलग अलग लाइनिंग समझ में नहीं आ रही थी। नीचे वाला लाइन थोड़ा और डार्क कर रही हूँ पेंसिल से एंड ब्लेंड कर दूंगी इसके बाद, ताकि स्मूथ इफेक्ट आ जाए। अभी दोनों चीज की जो लाइनिंग है इसको अलग करने के लिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ही हाईलाइट करूंगी। यहाँ पे मोनोजीरो इरेजर का यूज कर रही हूँ हाईलाइट करने के लिए। हाईलाइट करने के बाद आप देख सकते हो थोड़ा सा रफ हो गया है इफेक्ट, तो इसको सही करने के लिए मैं यहाँ पे ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज कर रही हूँ। हल्के हाथों से ब्लेंड करके शेड को मैच कर दूंगी। तो अभी आप देख सकते हो दोनों ट्रीज की लाइनिंग अलग अलग है, ये समझ में आ रही है बहुत अच्छी तरीके से। अभी पानी में जो दो बोट्स थे उसको ड्रॉ कर लूंगी। और यहाँ बोट पे कुछ लोग भी बैठे हुए थे तो इसको भी मैंने ड्रॉ कर लिया है। और ये सारी चीज़ एकदम ही डार्क है, यहाँ पे कोई हाईलाइट नहीं है, तो मैं एकदम से डार्क शेड कर दूंगी। तो अभी नीचे पानी में जो बोट का रिफ्लेक्शन पड़ा है एंड जो लोग बैठे थे उनका भी रिफ्लेक्शन पड़ा है, तो उसको ड्रॉ कर रही हूँ। तो अभी दूसरा बोट भी इसी तरीके से ड्रॉ कर लूंगी। तो ये देखिए दोनों बोट को भी ड्रॉ कर लिया और उसके ऊपर बैठे हुए लोगों को भी। अब बारी है वाटर ड्रॉ करने की। तो वाटर इफेक्ट को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो मैं पेंसिल से ऐसे लंबे लंबे लाइंस खींच रही हूँ, इससे वाटर में जो एक वेव है वो समझ में आएगा। तो अभी फिर से मेकअप ब्रश को यूज़ कर रही हूँ। पूरा जो शेड मैंने किया है इसको ब्लेंड करने के लिए बहुत ही हल्के हाथों से मैं ब्लेंड कर रही हूँ। ज़्यादा प्रेशर का अप्लाई बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना ये जो लाइंस ड्रॉ किया है ये एकदम ब्लेंड हो जाएगा। अभी हाईलाइट कर रही हूँ मोनोजीरो इरेजर से वेव्स के ठीक बीच बीच में।
तो हाईलाइट कंप्लीट होने के बाद कुछ कुछ जगह में शेड थोड़ा सा लाइट हो गया था ब्लेंड करने की वजह से, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा डार्क कर रही हूँ, पूरी जगह पे नहीं, कुछ कुछ जगह पे। अभी शेड को ब्लेंड करने के लिए छोटी वाली मेकअप ब्रश यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि बड़ी वाली मेकअप ब्रश यूज़ करूँगी तो पूरा जो हाइलाइटेड एरिया है वो डार्क हो जाएगा। सबसे लास्ट में व्हाइट पेन का यूज़ कर रही हूँ, जो जगह बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग है उसको थोड़ा और हाईलाइट करने के लिए। इरेजर से जितना हो सके मैंने हाईलाइट किया, तो इससे ज़्यादा हाईलाइट इरेजर से नहीं होगी, इसलिए मैं पेन का यूज़ कर रही हूँ। एंड सबसे लास्ट में सन की जगह में जो मास्किंग टेप लगाया था वो हटा दूंगी एंड स्प्रे से पूरी ड्राइंग को फिक्स कर दूंगी, ताकि हाथ लगाने पे ड्राइंग खराब ना हो। तो आपने देखा कितनी इजीली और कितनी जल्दी ये ड्राइंग हो गई है, एंड आई होप आप लोगों को समझने में कोई प्रॉब्लम ना हुई हो, तो प्लीज़ घर पे इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। तो गाइज वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि मैं और भी ऐसे वीडियो बना सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।